हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। पूना गोट फार्म की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से इस वीडियो का ऑडियो वी लॉस्ट, लेकिन वी थॉट दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तक के पूना गोट फार्म का पलाई रिव्यू पहुंचाए। सो हमने डायरेक्टली बात की इस गोट के ओनर से। इस गोट का नाम है हैदर और इनके ओनर जो है वो बेसिकली रत्नागिरी से है, बट ही रेसाइड्स इन मिडिल ईस्ट। उन्होंने एक ऑडियो नोट भेजा है जिसमें उन्होंने पूना गोट फार्म की पलाई का रिव्यू दिया है। आइए सुनते हैं इमरान भाई की बात। देखो, हाँ फहद भाई, इमरान बात कर रहा हूँ आज रत्नागिरी से। फहद भाई, आपने रिव्यू के लिए मैसेज किए थे पूना गोट फार्म के। माशाल्लाह पलाई तो आउटस्टैंडिंग है बोलो पूना गोट फार्म की। और मेरे बकरे तो 4-5 साल से उधर ही है, हर एक बकरा तैयार होके ही निकल रहा है। और पलाई भी नॉर्मल पलाई है, और यानी आज तक तो बोलो कुछ तकलीफ नहीं हुई। आज बहुत से लोग हैं जो अपने मेरे पहचान में है, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं तो उनको वही रेफरेंस अपना वही देता हूँ कि पूना गोट फार्म पे रख दो बकरा। और अभी जो शूट किया अपने रेड एंड वाइट कलर का जो बकरा है उसका नाम है हैदर 2। लास्ट ईयर भी एक था जो मेरा तैयार हुआ था, हैदर था, 106 kg, 106 kg पे था बकरा। और वो बकरा भी कुछ 58 kg पे आया था, कुछ 7 महीने में ये रिजल्ट दिए उन्होंने बकरे का। और खिलाई के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंटिन्यू फीड्स वगैरह चालू ही रहती है उनकी। और CCTV भी है, वो तो बोलो देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, बकरा तो सामने ही रहता। और वैसे भी भरोसा वाला है, तो कुछ ऐसा कोई भी इंसान भरोसा वाला है तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और उनकी तो संपत भाई की तो बात ही अलग है, माशाल्लाह बकरों में तो रिजल्ट है ही, वो भी आदमी कुछ अलग ही है बोलो। फार्म से ज्यादा यानी एक स्टार्ट में मैं पहला बकरा रखा था उनके पास, वो तो 2 महीने ऐसी ही बात चली थी कि मैं भेज रहा हूँ एक बकरा, भेज रहा हूँ करके। और जब से एक बकरा रखा और उसके बाद से मैं दूसरा के अपने बकरे रखा नहीं हूँ। जो नॉर्मल है कोटा में रखे हुए है बकरे अपने हैं, वो है बकरे, और वो भी कुछ दिनों में इधर ही आएंगे, दूसरे बाहर नहीं कहाँ पे जा रहे बकरे। और माशाल्लाह रिजल्ट तो हर महीने में गेन का तो बोलो रिजल्ट तो आ ही रहा है। मगर कुछ मेरा कुछ ऐसा ये नहीं रहता कि मेरे को इतना वजन चाहिए कोई बकरे में बढ़ा के चाहिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ही दे रहे सब बकरों।